दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हम ऊर्जा ग्लोबल कंपनी के शेयर के बारे में। हम आगे बात करेंगे कि टारगेट क्या लेकर चलना है आपको, क्या इसमें इन्वेस्ट करने का आपके पास मौका है या नहीं है। और काफ़ी लोग ऐसे भी है जो उम्मीदवार ये सोच रहे हैं कि इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैं करें या ना करें। देखो मैं आपको कन्फर्म एक ही बात कहूँगा, अगर आपके पास इसका स्टॉक अवेलेबल है पोर्टफोलियो में तो आप एक बात का ध्यान रखो। अगर मैं पिछले दो मंथ की बात करूँगा तो स्टॉक ने अपना 45 का हाई बनाया था ऊर्जा ग्लोबल ने, उसके बाद आपको गिरावट देखने को मिली। गिरावट कितनी मिली है आखिर दोस्तों, गिरावट देखने को मिली कि 15 रुपये के आसपास स्टॉक आ गया था। लेकिन फिर दोस्तों उम्मीद जागी इसमें, अच्छी खुशी देखी आपको, अच्छी रिटर्न देखना, लेकिन फिर से दोस्तों आपको 22 रुपीज़ का हाई स्टॉक ने बना दिया कल पिछले लास्ट एडिशन में। अब सवाल रहा कल आपको क्या लेवल देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों कल की बात करूँगा मैं तो कल अगर मार्केट ओपन होते ऑफर लगता है स्टॉक में तो आपको 23 रुपीज़ का लेवल देखने को मिलेगा। अगर 23 का नहीं मिलेगा तो 22.25 या 45 के आसपास का आपको रिटर्न देखने को कल मिलेगा, कल लेवल देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक डाउन जाएगा तो आपको 21 रुपये तक की लेवल भी देखने को कल मुझे उम्मीद है कि मिल सकता है। लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद नहीं है कि स्टॉक में आपको कल 5% गिरावट होगी, ये बात बिल्कुल आप मत सोचना।